बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी का। ये चैप्टर जो है हम इसको केएलएम से कवर करेंगे। लैंगमैन में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, केएलएम से हम कवर करेंगे। लैंगमैन में एक चीज़ अच्छी लिखी हुई है, सोमाइट फॉर्मेशन है। सोमाइट फॉर्मेशन जो है वो हम अपने अलहदा लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वैसे हम केएलएम से सारा आज करेंगे कवर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो लिखा हुआ है, इसमें जो आपके पास जो थर्ड पीरियड होता है, इसके अंदर जो है वो ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बननी होती है। ये इसका मेन पॉइंट है। उसके अलावा इसके अंदर जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक की अपीयरेंस और नोटोकॉर्ड की अपीयरेंस और थ्री जर्म लेयर्स की डिफ्रेंशिएशन, हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट और जो नहीं एपी एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, इन तीनों की डिवेलपमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सीजेशन जो होती है ना मेंस्ट्रुएशन की, वो जो है फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि वुमेन प्रेग्नेंट है, ये आपने पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गेस्टुलेशन क्या है कि थ्री जर्म लेयर्स जो हैं जिनसे आगे एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ वगैरह डेवलप होने होते हैं डिफरेंट, वो जो है वो कहते हैं डिवेलप हो जाते हैं, ये गेस्टुलेशन का पीरियड होता है। गेस्टुलेशन जो है वो किस पीरियड में हो रही है, थर्ड पीक और पीरियड ऑफ डिवेलपमेंट में हो रही है। तीनों जर्म लेयर्स बन जाएंगी और इसमें ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क भी डिवेलप हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अब आपके पास आ जाती हैं जी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, मोस्टली जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वगैरह जो है वो जब क्लोजिंग प्लग बन रहा होता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, उसकी वजह से भी हो जाती है। उसके अलावा लैकुनर नेटवर्क से भी डिस्चार्ज हो जाता है कुछ ब्लड वगैरह, या वजाइनल ब्लीडिंग वगैरह, इनसे जो है आप प्रेगनेंसी को रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपके पास इधर दिए हुए हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म, इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपने याद रखने हैं। एक्टोडर्म का आपने वैसे अगर अच्छे तरीके से याद रखना है, इसमें जो CNS और PNS याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो एंडोडर्म है इसके अंदर आपने याद रखने हैं कोई भी आपके जो ग्लैंड्स हैं, ये सारे ग्लैंड्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो मीजोडर्म है इसमें आपने याद रखनी है जितने भी स्किन रिलेटेड हैं या कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड चीज़ें हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स वगैरह, ये सारी इसमें आए थे। अब आते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक पर। प्रिमिटिव स्ट्रीक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अर्ली थर्ड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के अंदर थर्ड वीक में आपके पास प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर होती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो एपिब्लास्ट की सेल से डिवेलप होती है, ठीक है, और ये कॉर्डल साइड से डिवेलप होना शुरू होती है। अगर आप इस डायग्राम से देखें इसको, तो आपके पास जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, अगर आप इसको जो है वो कौन साइड लेते हैं, अपने पास जो है ये आपके पास जो स्फेलिक एंड और एक कॉर्डल एंड है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास देखें यहाँ से किस तरह अपीयर होना शुरू हुई है, कॉर्डल एंड से शुरू हुई है, मीडियल प्लेन के अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हुई है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक का, किससे आपको कॉर्डल और क्रेनियल एंड का पता लग जाता है, उसके अलावा मीडियल प्लेन वगैरह का पता लग जाता है। और उसके अलावा आपको बताना चाहिए कि जो आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर डिवेलप हो रही होती है, जो डॉर्सल एस्पेक्ट का पता लग जाता है और वेंट्रल एस्पेक्ट का पता लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखने के सेल्स जो हैं वो आगे डेवलप होते जाएंगे, ठीक है, और उनके आगे जो है ना एक क्या अपीयर होना शुरू हो जाती है, एक प्रिमिटिव नोड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के आगे जो है सेल्स की एक पॉलीफ्रेशन होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नोड कहते हैं। ये भी सेल्स ड्राइव होते हैं और प्रिमिटिव नोड की सेल्स जो है स्पेशल काइंड ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स से डेवलप होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसके अंदर एक इन्वेजिनेशन अपीयर होती है, जिसको आप प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं, और जो प्रिमिटिव नोड है उसके अंदर प्रिमिटिव पिट वगैरह जैसे डिप्रेशन जो है अपीयर होती है, ठीक है। और आपने याद रखने की ये जो सारा हिस्सा है आपके पास ये जो है एपिब्लास्ट वगैरह से डेवलप हुआ होता है, और जो प्रिमिटिव नोड का हिस्सा ये मेसेनकाइमल सेल से डिवाइड होता है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इससे मेसेनकाइम बननी होती है। अब मेसेनकाइम ने डिफरेंट टाइप ऑफ की सेल्स बनाने होते हैं, जैसे मीजोब्लास्ट वगैरह बनाने, मीजोब्लास्ट वगैरह ने बोन्स वगैरह की डेवलपमेंट, या इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनानी होती है जो आपके एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान अपीयर होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखने की एपिब्लास्ट की सेल्स वगैरह जो हैं उन्होंने क्या बनानी होती है, आपके पास एपिब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं उन्होंने पहले तो आपके पास एक्टोडर्म बनानी है, एक्टोडर्म के बाद उन्होंने क्या बनाना है, आपके पास एंडोडर्म बनानी है, इनके कुछ सेल्स ने मिलकर एंडोडर्म बनाएंगे, तो एंडोडर्म जो है वो एक्टोडर्म से, और उसके अलावा जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है एपिब्लास्ट ने जो है उसके अलावा आपके पास क्या ड्राइव करना होता है, मीजोडर्म भी ड्राइव करनी होती है। तो आपके पास एपिब्लास्ट के सेल्स होते हैं जिनसे तीनों जर्म लेयर जो है वो डिवेलप हो रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा मेसेनकाइमल सेल्स हमने देख लिया कि ये प्लूरीपोटेंट होते हैं, ठीक है, कि इनसे जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वगैरह, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट वगैरह डेवलप हो रहे होते हैं। इन डायग्राम्स वगैरह में आपको यही शो किया हुआ कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे अपीयर हुई, प्रिमिटिव नोड कैसे डेवलप हुआ, सारा आपके पास यही इसके अंदर आपको बताया हुआ, ठीक है।
और उसके अलावा आपके पास यहाँ जो है वो मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं वो कैसे अपीयर होते हैं, या कुछ हो किया हुआ कि सबसे पहले आपके पास जो है एपिब्लास्ट जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की सेल्स होते हैं, उसके बाद इनके दरमियान जो इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है, सेल्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं दरमियान में, और यहाँ जो है वो इंटरएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बनना शुरू होती है, जो डाई बाई लेमिनर डिस्क होती है वो ट्राई लेमिनर डिस्क में चेंज हो जाती है। उसके बाद अब आपके पास आता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो फेट होता है वो क्या होता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक ने जो है वो कहते हैं फोर्थ वीक के एंड पर जो है ना वो डिसअपियर हो जाना होता है। अगर इसका जो है ना एक सेक्रोकॉर्जियल रीजन के अंदर जो है ना एक छोटी सी माइन्यूट सी रेमिनेंट रह जाता है, ठीक है, वैसे ये सारी डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक ने मोस्टली जो मेसोडर्म बनाने में रोल प्ले करना होता है, जो हमने पहले देख लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास जो है वो इस डायग्राम के अंदर भी यही दिखाया हुआ है कि इसे मेसोडर्म की डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद आपके पास है नोटोकॉर्डल प्रोसेस वगैरह कैसे डेवलप होते हैं। नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो है आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपकी जो प्रिमिटिव नोड है, इस पैराग्राफ में आपके पास ये बताया हुआ है कि क्रेनियली सेल्स जो हैं वो मैग्नेट करते हैं प्रिमिटिव नोड के और पेट के, ठीक है, मीडियन कॉल से, और उन्होंने नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनाना, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ देखें तो ये आपके पास क्या बनी थी, नोटो प्रिमिटिव नोड बनी थी। प्रिमिटिव नोड से आगे ये क्या बनना शुरू है, नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनना शुरू है, ठीक है। नोटोकॉर्डल सेल्स जो हैं वो मूव करना शुरू करेंगे, और ये वाली जो जगह है, इस जगह पे ये जो क्रेनियली है, इधर क्या होगा आपके पास प्रीकॉर्डल प्लेट बनेगी। प्रीकॉर्डल प्लेट बनेगी जिसने आपके ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बनानी होती है, ठीक है। और जो ये आपके पास कौन सा एंड है, कॉर्डल एंड है, ये कॉर्डल एंड है। कॉर्डल एंड पर आपके पास एक एनल एंड बनता है, एनल एंड, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, जिसने फ्यूचर एनस बनानी होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके अलावा आपके पास जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और ये जो आपके पास ये अंदर अपीयर हो रही होती है, ये आपके पास प्रीकॉर्डल प्लेट बन रही होती है, ठीक है, ये प्रीकॉर्डल प्लेट होती है। अगर ये आगे तक ग्रो कर रही है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो है वो ग्रो कर रही है, तो ये आपके पास ये प्रीकॉर्डल प्लेट बन जाती है। उसके अलावा प्रीकॉर्डल मेसोडर्म जो होती है, मेसेनकाइमल पॉपुलेशन होती है न्यूरल क्लेस्ट सेल्स की, ठीक है। अब जो आपकी प्रीकॉर्डल प्लेट है, इसने किसको राइज देना है, प्रीकॉर्डल प्लेट ने आपके पास जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन को राइज देना है इस जगह पे जाके, ठीक है, यहाँ तक इसने आ जाना है और इसने जो है ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन को राइज देना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप इधर से देखें तो ये आपके पास जो सेल्स हैं, ये देखिए ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है और ये आपके पास जो है वो प्रिमिटिव पिट है। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो इन्वेजिनेट करी जाएंगे, वो आपके किस तरह मूव कर रहे हैं, कॉर्डल एंड की तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिप्रेशन क्रिएट हुई जा रहा है, ठीक है, ये क्या बनाई जाएगा, नोटोकॉर्डल कैनाल बनाएगा, जिस तरह ये आपकी डिप्रेशन आगे की तरफ मूव कर रहा है। और ये डिप्रेशन जो है ये आपके किधर तक मूव कर जाएगा, ये आपके जो है वो क्रेनियल एंड तक चला जाएगा, ठीक है, कॉर्डल एंड से क्रेनियल एंड तक चला जाएगा। और ये क्या बना देगा, ये आपके पास बना देगा नोटोकॉर्डल कैनाल बना देगा, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो इधर दिया हुआ है कि सेल्स जो हैं वो आपके नोटोकॉर्डल कैनाल्स के, अब आपके पास यहाँ शो किया हुआ है, अगर आप देखें कि एंडोडर्म जो है वो मेसोडर्म के साथ फ्यूज़ कर जाएगी, हमने कहा मेसोडर्म बन गई है, तो एंडोडर्म की लाइनिंग जो है वो मेसोडर्म की लाइनिंग के साथ फ्यूज़ कर जाएगी, ठीक है, और एक प्लेट बना देगी, ठीक है। अब ये कौन सी प्लेट होगी, न्यूरल प्लेट बन जाएगी। न्यूरल प्लेट जो है, अब आपने याद रखना है कि ये जो सेल्स होते हैं न्यूरल प्लेट के, ये पॉलीफ्रेट करेंगे और ये क्या बना देंगे आपके पास, नोटोकॉर्ड बना देंगे। अब इस स्टेप में देखिए नोटोकॉर्ड बनना चाहिए, अभी आपके पास ये न्यूरल प्लेट बनी थी, न्यूरल प्लेट के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, पॉलीफ्रेट कर जाएंगे और क्या बना देंगे आपके पास, नोटोकॉर्ड बना देंगे, ठीक है। और अब एक ओपनिंग, ये जहाँ से हमने कहा था ये ओपनिंग रह गई थी, जिधर से आपके पास जो एमनियन है या आपके पास जो आपकी योग सैक है उसके साथ कॉन्टिन्यूस था, ये कौन सी केनाल थी, न्यूरो एंटेरिक केनाल थी, ठीक है, और ये बाद में जो है वो डिसअपियर हो जाती है। ये एक लोकल मेम्ब्रेन है जहाँ से एनस बननी होती है, ठीक है, एनस साइट होती है, ठीक है। और उसके अलावा हमने कहा था ये दोनों की जो मेम्ब्रेन है, जो मेसोडर्म और एंडोडर्म की लाइनिंग है, वो फ्यूज़ कर जाएगी और एंडोडर्म जो है वो उसकी जो लाइनिंग थी वो डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इधर जो है आपके पास ये शो किया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो नोटोकॉर्डल प्लेट की फॉर्मेशन है, ठीक है, कि ये प्रिमिटिव पिट के सेल्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये हमारे टॉपिक के अंदर अभी नहीं आ रहा, तो हम अभी इसको देख लेते हैं जो चीज़ हमारी रह गई है, ठीक है। हमने कहा कि ये जो आपके पास जो क्रेनियल एंड है, क्रेनियल एंड पर यहाँ कुछ सेल्स होते हैं जो आपकी हार्ट के कार्डियोजेनिक बना रहे होते हैं एरिया, ठीक है, कार्डियोजेनिक एरिया बना रहे होते हैं। अगर आप इधर से देखें तो ये ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, इस साइड पर जो है कार्डियोजेनिक एरिया होता है जहाँ पर आपके सेल्स बन रहे होते हैं जिन्होंने हार्ट वगैरह की डेवलपमेंट करनी होती है, ठीक है।
उसके अलावा ये हमने देख लिया क्लोकल मेम्ब्रेन और ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। उसके अलावा आपको यहाँ बताया हुआ है कि तीन साइड्स ऐसी होती हैं जहाँ पर जो आपकी एंडोडर्म और एक्टोडर्म डायरेक्टली फ्यूज्ड हुई होती है, मीसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती। ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, उसके अलावा क्लोकल मेम्ब्रेन, और उसके अलावा वो मीडियन प्लेन जहाँ प्रिमिटिव नोड वगैरह की डेवलपमेंट हो रही होती है, नोटोकॉर्डल प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके अलावा नोटोकॉर्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो है एक आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। उसके अलावा इससे सीएनएस वगैरह की डेवलपमेंट हो रही है और वर्टिब्रल डिस्क वगैरह की डेवलपमेंट में इसका रोल है, ठीक है। उसके अलावा हमने देख लिया नोटोकॉर्डल पिट और नोटोकॉर्डल किनाल की कैसे होगी, वो फ्यूजन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा लेयर फ्यूज कर जाएंगी, डिजनरेशन होगी, उसके बाद नोटोकॉर्डल प्लेट कैसे बनेगी, और उसके बाद नोटोकॉर्डल किनाल कैसे बनेगी, ठीक है, ये सारा हमने देख लिया। उसके अलावा न्यूरो एंटेरिक किनाल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और बाद में ये ओब्लिट्रेट कर जाएगी। उसके अलावा नोटोकॉर्ड का आपको पता होना चाहिए कि नोटोकॉर्ड ने क्या क्या बनाना है, न्यूक्लियस फॉल्फस वगैरह की डेवलपमेंट करवानी होती है। उसके अलावा इसने जो है वो प्राइमरी इंड्यूसर होता है, मतलब सिग्नलिंग सेंटर के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है, और न्यूरल प्लेट वगैरह की डेवलपमेंट और प्राइमोडियम ऑफ सेल्स वगैरह की डेवलपमेंट में इसका रोल है, ठीक है। अब एलेंटोइस क्या है आपके पास, एलेंटोइस जो है ना एक आपकी, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं एलेंटोइस। ये एलेंटोइस देखें, ये आपकी योग सैक की एक इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है, जो आपकी ये कनेक्टिंग स्टॉक के अंदर जा रही होती है, ठीक है, जिसने आगे किस क्या बनाना होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड बनानी होती है, ठीक है। तो ये इसने जो है वो आगे की तरफ जा रही होती है, एलेंटोइस वगैरह जो है वो किस में जा रही होती है आपके, ये इसके अंदर मूव कर रही होती है आपकी जो कनेक्टिंग स्टॉक है उसके अंदर जा रही होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है वो आपकी रिलेटेड होती है आर्टरीज और वेंस के, ठीक है। और उसके अलावा आपने याद रखना है कि अडल्ट के अंदर ये जो है वो किस तरह होती है, मीडियन एम्बिलिकल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, मीडियन एम्बिलिकल लिगामेंट के जरिए रिप्लेस्ड होती है अडल्ट के अंदर, ठीक है। ये अडल्ट के अंदर एलेंटोइस नहीं होता, मीडियल एम्बिलिकल लिगामेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये रेमिनेंट्स ही होते हैं, ठीक है, एलेंटोइस वगैरह प्रेजेंट होता है, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह की फॉर्मेशन होनी होती है प्लेसेंटा की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एम्बिलिकल आर्टरीज वगैरह जो हैं वो एलेंटोइस के अंदर मूव करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आपके पास आती है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन क्या है कि न्यूरल फोल्ड्स और न्यूरल प्लेट्स की डेवलपमेंट, जिसकी वजह से जो है वो न्यूरोलेशन कहलाती है, ठीक है। और ये जो है फोर्थ वीक के एंड पर होती है और कॉर्डल न्यूरो एंड तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, और कॉर्डल न्यूरोपोल्स की क्लोजर हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको डायग्राम से समझना चाहें तो न्यूरल प्लेट आपके पास जो है वो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि आपके पास ये न्यूरल फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये न्यूरल ग्रूव बना हुआ है, न्यूरल ग्रूव है, वो न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद जो ऊपर वाली लाइनिंग है, जो एपिडर्मिस है, वो ऊपर रह जाएगी, जो एक्टोडर्म थी, ठीक है, ये एक्टोडर्म से डिवेलप हो रहे थे ना, तो एक्टोडर्म जो है वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। और ये जो आपकी ये वाला एरिया थोड़ा सा इन्वेजिनेट कर जाएगा इस तरह से, ठीक है, और इसने जो है वो क्या बना देना है, न्यूरल क्रेस्ट बना देना है और सेपरेट हो जाना है। अगर आप इस डायग्राम में देखें, अगर आपके पास ये देखें, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, ये न्यूरल फोल्ड्स हैं, तो ये किससे ड्राइव हुए हैं, एक्टोडर्म से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। अब ये एक्टोडर्म है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी, इन्वेजिनेट करेगी, ठीक है, ये हमने कहा इन्वेजिनेट करना शुरू की और इसने जो है वो क्या बना दिया, न्यूरल ग्रूव बना दिया। न्यूरल ग्रूव के बाद ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स अलहदा हो जाएंगे और ये क्या बना देंगे, न्यूरल केनाल बना देंगे, ठीक है। न्यूरल केनाल ये जो अंदर का एरिया है, ठीक है, और ये न्यूरल ट्यूब बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और जो ये आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, इन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह डेवलप करने हैं, ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स को जो है हम लैंगमैन से डिस्कस करेंगे जब हमारा लेक्चर एंड होने लग गया। उसके अलावा सोमाइट्स हैं, सोमाइट्स को ये बहुत डिटेल टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ सोमाइट्स जो है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे सोमाइट्स वगैरह, लैंगमैन का अलग टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे अलग टॉपिक में, ठीक है। अब ये है पैराक्सियल मीसोडर्म। अब आपको नाम पता होना चाहिए डिफरेंट मीसोडर्म्स वगैरह के, ठीक है। अब यहाँ शो किए हुए आपके पास ये वाला जो एरिया है, ये जो आपके पास बनी हुई है, ये आपके पास क्या है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ये वाली जो पहली आती है आपके पास, ये है आपके पास पैराक्सियल मीसोडर्म। पैराक्सियल मीसोडर्म ने क्या बनानी है, सोमाइट्स बनानी है। उसके बाद है इंटरमीडिएट मीसोडर्म और जो ये लास्ट वाली है आपके पास है लेटरल प्लेट मीसोडर्म। अब जो लेटरल प्लेट मीसोडर्म है, इसका अंदर जो है वो क्या बनना शुरू होगा, एक कैविटी सी अपीयर होना शुरू होगी, जिसको आप इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहेंगे, ठीक है।
अब इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम के बनने की वजह से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, लेटरल प्लेन मेसोडर्म, एक होगी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म और एक होगी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सप्लैंकनिक मेसोडर्म। जो नीचे वाली होगी ये सप्लैंकनिक होगी और जो ऊपर वाली है ये सोमैटिक होगी। सोमैटिक वाली ने कवर करना है आपके एमनियन को और जो सप्लैंकनिक है इसने किसको कवर करना है, आपके योग सैक को कवर करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सोमाइट्स वगैरह कितने होते हैं, अबाउट 38 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स जो है सोमाइटल पीरियड डेवलपमेंट में जो है वो डेवलप होते हैं 20-30 डेज के अंदर, ठीक है, डे नंबर 20-30 के अंदर। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट सोमाइट था वो आपके ऑसिपिटल पीरियड के अंदर अपीयर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा अब आपके पास आते हैं कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम वगैरह की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है सारा टॉपिक, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कैसे बन रही है, सब्लैंकनिंग और सोमैटिक कैसे डेवलप हुई, ठीक है। अगर आप मीजोडर्म, सोमैटिक मीजोडर्म और एक्टोडर्म को मिलाएं, ठीक है, तो ये सोमैटोप्लूरा बनती है, ठीक है। और जो अगर आप सप्लैंकनिक मीजोडर्म और अपनी जो नीचे वाली आपकी एंडोडर्म है उसको मिलाएं, सो सप्लैंकनोप्लूरा बनती है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से जो है वो आपकी जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो ये सिलोम बन रही थी इसके मिलने से आपके पास इसके अंदर क्या बनना शुरू होगी, प्लूरल कैविटीज़ बनेंगी, पेरिटोनियल कैविटीज़, या हमारा अलग टॉपिक, हम इसको अलग डिस्कस करेंगे। अब आती है जी वैस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वैस्कुलोजेनेसिस आपके पास क्या है कि न्यू वैस्कुलर चैनल्स वगैरह बनना, ठीक है, एंजियोब्लास्ट वगैरह से जो है ना एक वैस्कुलर चैनल्स वगैरह उनके असम्बली, एंजियोब्लास्ट वगैरह की असम्बली की वजह से जो है वो एक चैनल जो बनता है वैस्कुलर, इसको वैस्कुलोजेनेसिस कहते हैं। एंजियोजेनेसिस न्यू वेसल्स वगैरह जो है ना प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से पड़ी हुई वेसल्स हैं उनमें से जो बर्डिंग की वजह से जो नई वेसल्स बन रही है उसे एंजियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास इस डायग्राम में, ठीक है, अब ये आपके पास डायग्राम है, इसमें आपके पास शो किए हुए ये ब्लड आइलैंड्स शो किए हुए, ठीक है, ब्लड आइलैंड्स हैं जो किसके ऊपर पड़े हुए हैं, आपकी एम्बिलिकल वेजिकल की वॉल है उसके ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो है वो क्या अपीयर होना शुरू होगी, कैविटी बनना शुरू होगी, कुछ सेल ऊपर रह जाएंगे और कुछ सेल नीचे बनना शुरू हो जाएंगे। अब जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनको आप कह देंगे प्राइमोर्डियल ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब जो कैविटी अपीयर होगी इसको आप ल्यूमेन ऑफ प्राइमोर्डियल ब्लड वेसल कहेंगे और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप क्या कह देंगे, प्राइमोर्डियल ब्लड वेसल कह देंगे। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है आपके पास एंडोडर्म है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये एंडोडर्म कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये प्राइमोर्डियल ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमोर्डियल ब्लड वेसल्स के अंदर ये छोटे छोटे सेल्स बनना शुरू होंगे जिसको आप हीमेंजियोब्लास्ट कहेंगे। हीमेंजियोब्लास्ट से जो है वो आगे आपके क्या बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स वगैरह जो ब्लड सेल्स हैं वो इनसे ड्राइव होंगे। अब डिफरेंट हीमेंजियोब्लास्ट ये जो आपके प्रोजेनिटर सेल्स जो दरमियान से सेपरेटेड थे ये खुल जाएंगे और ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और जो डिफरेंट फ्यूजन की वजह से ये जो चैनल्स वगैरह अपीयर हो रहे हैं इनको आप क्या कहेंगे, वैस्कुलोजेनेसिस कहेंगे। और जो नए सेल्स बन रहे हैं इनको आप एंजियोजेनेसिस कहेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना। अब ये जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है ये जो RBCs, WBCs वगैरह की फॉर्मेशन है ये फिफ्थ वीक के अंदर तक स्टार्ट नहीं होती, फिफ्थ वीक के बाद जाके ये शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले आयोटा के अंदर बनेंगी, उसके बाद फिर ये मेसेनकाइम वगैरह और स्प्लीन बोन मैरो वगैरह में स्टार्ट होंगी। उसके अलावा हमने कहा कि आपके पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो आपके पास जो हमने कहा था साइड पे थोड़ा सा एरिया होता है क्रेनियल एंड पर, उधर से आपके पास हार्ट वगैरह बनेगा, हार्ट ट्यूब्स बनेंगी, CVS कार्डियो प्राइमोर्डियल वेसल्स बनेंगी। बस आपने इसमें ये याद रखना है कि जो हार्ट की स्टार्ट होती है ना बिगिनिंग जो बीटिंग वो स्टार्ट होती है 21 से 22 डे के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, डे आपने याद रखना है। उसके अलावा आपने याद रखना है ये पहला फंक्शनल ऑर्गन होता है जो डिवेलप होता है, ठीक है, और ये मेथड ये हुआ कि डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद है ये डेवलपमेंट ऑफ विलाय, विलाय का टॉपिक जो है ये हमने पहले कवर कर लिया हुआ है, अगर ये जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जी लैंगमैन से। ओके, ये आपकी एक लैंगमैन की डायग्राम है जिसमें आपके पास जो है ये फीटल मैप शो किया हुआ है, ठीक है। ये फीटल मैप आपने याद रखना पेज नंबर 56 है, इस पर आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम पूछी जा सकती है आपसे क्लास टेस्ट में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि नोटोकॉर्ड है, ठीक है, नोटोकॉर्ड के बाद आपके पास पैरेक्सियल मेसोडर्म है, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद लेटरल प्लेट मेसोडर्म आपके पास शो की हुई है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा आपके पास जो है वो ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एम्ब्रियोनिक डिस्क वगैरह ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद आपके थोड़े से ये क्लिनिकल्स वगैरह हैं जो रिलेटेड है गेस्ट्यूलेशन के,
कि अगर आपकी जो मिड लाइन ऑफ जर्म डिस्क है ना वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि अगर आपको अल्कोहल की हाई डोज लेते हैं उसकी वजह से क्या होती है कि एंटीआई मिड लाइन जो होती है ना जर्म डिस्क की, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, उसके सेल्स जो होते हैं ना वो किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रेनियो फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है। इस डिज़ीज़ को आप होलो फ्रोजन सेफेली कहते हैं, मतलब बच्चे का जो है ना फोर ब्रेन वो बहुत स्मॉल रह जाएगा। उसके अलावा जो लेटरल वेंट्रिकल्स है ना, टू लेटरल वेंट्रिकल्स, वो एक वेंट्रिकल बन जाएंगे, ठीक है, दो नहीं रहेंगे, वो एक वेंट्रिकल बन जाएंगे, ठीक है। और आइज़ जो है ना वो बहुत करीब आ जाएंगी, जिसको आप हाइपोटोलरिज्म कहते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा आपके पास ये साइरोमलेरिया, मतलब ये कॉर्डल डिएजेंसिस, अगर कॉर्डल एरिया सही तरीके से डिवेलप ना हो इसको आप जो है सेरिनोमलेरिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सिटस इन्वर्सस, के अगर आपकी जो विजराज है ना थॉरक्स वगैरह की, एब्डोमेन वगैरह की, उनकी अगर पोजीशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब कि जो आपकी थॉरक्स है वो उल्टी साइड पर आ जाए और एब्डोमेन जो है उल्टी साइड पर आ जाए, इज साइटस इन्वर्सस, मतलब साइड जो है वो इन्वर्स हो गई है, उल्टी साइड हो गई, रिवर्स हो गया, ठीक है काम। तो ये आपके पास जो है वो इसमें इशू बताया हुआ, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास सेक्रोरीजियल टेराटोमास हमने देख लिए थे कि अगर ये रेमिनेंट्स जो हैं वो आपके ट्यूमर्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो परसिस्ट कर जाते हैं उसके रेमिनेंट्स वगैरह सेक्रोरीजियल एरिया में, और ये जो है वो पॉलीफ्रेट हो जाए, ट्यूमर्स बना दें, तो इसकी वजह से होते हैं। ये ट्यूमर्स जो हैं वो कहते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स के अंदर प्रॉब्लम की वजह से भी होते हैं। अब आपके पास है जी जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट है उसकी डिवेलपमेंट कैसे होगी। प्राइमरी विलाय तो हमने पिछले टॉपिक में देख लेते थे, हम इधर से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपके पास जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, उसकी सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है और जो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह प्रेजेंट है इसमें, तो ये क्या होगा, प्राइमरी विलस होगा। अगर इसमें सेकेंडरी विलस में क्या होगा कि मीजोडर्मल कोर बन जाएगी, मीजोडर्मल कोर है सिंसिशियल साइटोट्रोफोब्लास्ट इर्द गिर्द है, उसके इर्द गिर्द है सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, सेकेंडरी विलस है। और ये तो तीसरे नंबर वाला है आपके पास। अब इसमें अगर वीनस कैपरी विलस कैपरीज वगैरह अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि कैपलरीज वगैरह आ जाएंगी, अंदर वेसल्स आ जाएंगी, तो और उसके इर्द गिर्द जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है और मीजोडर्मल कोर है और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, तो ये टर्शियरी विलस होगी, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपने वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होप सो आपको थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आपके स्माइट फॉर्मेशन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।